नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट एंड क्रेडिटेज इंक्लूड द स्कूल, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण। इसके अंतर्गत इसमें मुख्यतः 5 इकाई है, उसके सिलेबस के बारे में अपन ने अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अपन शैक्षिक प्रबंधन का परिचय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जानकारी होना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। तभी शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन का जो परिचय है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन को संदर्भित करता है, जिसमें एक समूह एक शिक्षा प्रणाली को निष्पादित करने के लिए संरचनाओं की निगरानी, योजना, रणनीति और कार्यान्वयन के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को जोड़ता है। शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्यों और जो विश्वासों और आदतों और सीखने के अनुभवों के साथ साथ दृष्टिकोण का लेंस है ना। तो इसके अंतर्गत एक कहने का मतलब ये कि गोल्स, फॉरगेट्स, एक्सक्यूट, ऑर्गेनाइज और प्लान्स, डिसीजन, ये सारी एक्सप्रेशन, अल्ट्रा नेटिव और लीजर्स, तो ये सारी इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत बताया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि शैक्षिक प्रबंधन का परिचय के बारे में क्या है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक अपन को अध्ययन करना है। इसमें बल्ब आपने सभी ने देखा है ना, तो ये जिसकी इसकी जो प्रकाश देने की जो क्षमता होती है वो होती है एजुकेशन मैनेजमेंट, है ना। एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत जो प्रकाश देने की जो क्षमता होती है वो एजुकेशन मैनेजमेंट होता है। इसके अंतर्गत जैसे कि स्कूल फिजिकली फैकल्टीज, ह्यूमन एंड मटेरियल्स, कैरिकुलम और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर और गोल्स एंड एक्टिव जो अचीवमेंट्स आदि इसी के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत इसमें जैसा कि प्रशासन, जैसे कि अंग्रेजी भाषा के हेडमिनिस्टर शब्द का हिंदी रूपांतर होता है, यह एक लैटिन भाषा के हेड प्लस मिनिस्टर
दो शब्दों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है कार्यान्वयन करना या सेवा करना और देखभाल करना तथा व्यवस्था आदि। तो ये शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत बताया गया है। अपना जो मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक जो प्रबंधन है उसमें पहले अपन अध्ययन करेंगे कि प्रबंधन क्या होता है। आप सभी को बताएं प्रबंधन हर एक क्षेत्र में प्रबंधन अति आवश्यक है। व्यापार ले लो या औद्योगिक क्षेत्र ले लो, है ना। तो प्रबंधन होना अति आवश्यक है। बिना प्रबंधन आज की किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधन अति आवश्यक होता है। बाकी जो कार्य अपन शुरू जो तैयार किया जाता है वो कभी पूरा नहीं होता है, है ना। तो प्रबंधन का होना अति आवश्यक होता है, यानी कि उपलब्ध संसाधन संसाधनों के आधार पर किसी कार्य की रूपरेखा, किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना जिससे कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य की उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। शैक्षिक प्रबंधन का जो परिचय के अंतर्गत बताया गया है कि प्रबंधन मुख्य रूप से व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। वैसे प्रबंधन हर एक क्षेत्र में इसका कार्य किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसी भी कार्य की जो रूपरेखा तैयार करना जिससे कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। अपना उद्देश्य, अपना जो लक्ष्य है उसकी पहले से प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए वहां तक पहुंच आसानी से पहुंच सकते हैं और कोई जो भी समस्या आती है उसको पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है, उस समस्या का निराकरण भी हो जाता है। इसीलिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसी कार्य की जो रूपरेखा तैयार करना जिससे कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। फिर एक परिभाषा के लिए इसमें कुटर मॉडल के अनुसार इसके अनुसार से बताया गया है कि किसी भी औपचारिक समूह में से जो कार्य करवाने या उसके साथ कार्य करने की जो प्रक्रिया प्रबंधन कहलाता है। क्या बताया गया है कि किसी भी औपचारिक समूह से कार्य करवाने या उसके साथ कार्य करने की जो प्रक्रिया प्रबंध कहलाता है। एक परिभाषा और दी गई है, उसमें जो बताया गया है प्रोफेसर एलन के अनुसार प्रोफेसर टेलर के अनुसार जो बताया गया है कि प्रबंधन यह जानने की
प्रक्रिया या कला है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य को कैसा किया जाए। प्रबंधन यह जाने की जो प्रज्ञा या कला है और उसको जिससे ज्ञात हो जाता है कि किसी कार्य को कैसा किया जाए। इसी की शब्दों में एक परिभाषा और दी गई है लुईस मोयरे के अनुसार। इनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है कि प्रबंधन वह कार्य है, क्या है प्रबंधन, वह कार्य है, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिससे भौतिक एवं मानवीय संसाधन मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है या जाता है ना। ये जो तीन परिभाषा दी गई है कुटक महोदय के अनुसार, प्रोफेसर टेलर के अनुसार और लुईस महोदय के अनुसार बताया गया है। लुईस महोदय ने जो बताया गया है कि प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिससे भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये शैक्षिक प्रबंधन के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसमें तीन परिभाषा के बारे में अपन अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट जो अपन अध्ययन करेंगे जो फोर्थ, इसी के बारे में आगे से विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लूथर गुली के अनुसार, है ना। तो आज के लिए इतने काफी है। कक्षा का व्यस्त बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को अपना नाम, पिता का नाम और उपस्थिति क्रमांक कमेंट्स बॉक्स में सबमिट कर लिख कर सबमिट करना है। ठीक है, धन्यवाद।